कि सारे एग्जाम देने वाले हैं, इधर से एग्जाम दे रहे हैं, पूरा का तौक है ट्रेन का। इसके बाद दूसरी ट्रेन आने में पराठा अचार हेलो गाइस नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। आज 9:10 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से एग्जाम दिलाने के लिए अपने दोस्त का। अभी भाई अभी स्टेशन पे है ना, अभी जैसे इन किया हूँ तो ये देखिए सारे एग्जाम देने वाले हैं, इधर से एग्जाम दे रहे हैं, पूरा स्टेशन फुल है और सारा यहीं पे बेड लगा के सो रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने बैग में रख लिया है बिस्तर और कहीं भी सो जाना है। कितना भीड़ है, क्या हालत है, स्टेशन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी हमारा पहला स्टेशन ख़त्म हो गया, यहाँ से दूसरी गाड़ी आएगी। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मिले हैं इधर और भी आगे मिलेंगे। ये हमारे जम्मू के बाद 30 किलोमीटर दूर पड़ता है स्टेशन झाझा स्टेशन। और अब हम लोग खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, भूख भी लग गया काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं खाना भी इसने क्या लाया है। बाहर गए पानी खरीदा हमने पूरी रात के लिए। अरे एक चीज़ और खरीदी, दिखा देखिए झाँप रहा है, रसगुल्ला खरीदा है। खाना में थोड़ा मीठा होना चाहिए तो खरीद लिया हमने। आप जा रहे खाना खाने? खाने में पराठा चार गुंजा और रसगुल्ले। खाना कंप्लीट होने के अधी पर है, अब उसके बाद ट्रेन आएगी, खाना खा के थोड़ा आराम करेंगे। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी अब स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ये गाड़ी आ रही है और एक बज रहा, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रहा है, इतना थकावट हो रहा है कि काफ़ी दोस्त भी मिल गए। ट्रेन आ गई, हाँ देख रहा हूँ उधर ट्रेन आ गई और काफ़ी ज़्यादा लड़का यहाँ पे बैग लेके आएगा, कहीं पे चढ़ जाना। सीट देख रहा, सीट मिली है अपर वाली साइड से, ये इधर बैठा है और मैं इधर बैठा हूँ भैया के साथ। एक भैया इधर सीट शेयर किया और ट्रेन का भी पूरा खाली है। एक भाई इधर तड़प रहा है, इसको एक गमछा देता है, अभी यहाँ बिछा के सोएगा। एग्जाम देने जाते वक्त कष्ट तो करना पड़ेगा आगे सूख पाने के लिए, समझ रहे ना। तो अभी करीबन 3-4 घंटा हमारे पास है, रेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह ऐसी हालत हो जाएगी क्या पता। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी हम दरभंगा जंक्शन पहुँचे सुबह 6:12 और काफ़ी लड़का मिल गया था। अरे लड़का 6:21 हो रहा था, बड़ा हाँ सॉरी गाइस 6:21 हुआ, मैंने घड़ी में गलत टाइम देख लिया था। और अभी ट्रेन रुकी है, ये आपका हमारा स्टेशन आ गया, ठीक है। मैंने बैग आगे रख लिया स्टेशन के बाहर और देखते हैं आगे क्या करना है। स्टेशन के जैसे ही बाहर निकला हूँ और एक चीज़ दिखा है, ये देखिए सबसे पहले तो वो चीज़ दिखा है, ये देखिए सबसे पहले ये चीज़ दिखा है और उसके बाद ये दिखा है, ये तोप है, पुराने ज़माने का तोप है। 8 और हम लोग नहा के ब्रश व्रश करके रेडी हो गए दोनों। और इधर जब नाश्ता करने निकले ना तो इधर एक बहुत बड़ा झील दिखा है, ये बहुत बड़ा झील बहुत ही बड़ा झील है। लेकिन अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद पहले चलेंगे सेंटर, उसके बाद एग्जाम देगा, उसके बाद घूमेंगे आप। अभी नहीं, ये भोलेनाथ का मंदिर है, जय भोलेनाथ। तो गाइस वो तो एग्जाम दे रहा है और मैं इधर घूम रहा था तो मुझे एक मंदिर मिला है, नाम तो नहीं पता चला बट आई थिंक बहुत ही अच्छा मंदिर दिख रहा है मुझे, बस थोड़ा ओल्ड है, मैं आपको देखें आगे से दिखाता हूँ। ये इनका एंट्री पॉइंट है, ये पता नहीं मंदिर का नाम नहीं पता, मैं आया अभी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसा है। ये झील है, झील में वॉट है, चलाने का मन कर रहा है, ले देखते चलते हैं, अगर वो देते हैं चलाने के लिए तो एक बार चला के देखते हैं। ये मंदिर है, ये भी मंदिर है, मास मंदिर का नाम नहीं पता, मैं मंदिर का नाम पूछता हूँ, फिर देखता हूँ कहीं लिखा हो तो मैं आपको बताता हूँ। झील काफ़ी अच्छा है, यही मंदिर है, ये तो काली माँ का मंदिर है।
हेलो हेलो, ये लक्ष्मी भाई का मंदिर है। जय तारा माई। मंदिर मिल ही जाता है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक ना एक मंदिर अच्छा मिल ही जा रहा है। मैं भी घूमते हुए उधर से इधर आ रहा था तो मुझे एक काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी दिखा है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ खास पता ही नहीं, मैं पहली बार आया हूँ इधर। तो एक भैया मिला मुझे, वो कुछ बता रहे थे इसके बारे में। भैया कौन सा यूनिवर्सिटी है? ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जो हमारे दरभंगा महाराज दीवान बहादुर कामेश्वर नारायण सिंह के अच्छा नाम पे उन्हीं के राजमहल में यह महल स्थापित है। अच्छा, तो मतलब ये किन्हीं राजा का है? हाँ। सर भैया जो नाम बता रहे हैं, हाँ, दीवान बहादुर कामेश्वर नारायण सिंह जो राजा थे, हाँ, उन्हीं का ये महल था और वो महल अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी जी, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। राजाओं का तो ये होता था कि आगे फूल होना चाहिए और महल होना चाहिए। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये, मैंने देखा विस्तार से भी नहीं, अभी देखता हूँ और घूमता हूँ। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा ही खूबसूरत है। बताया कि अभी चलिए हम आपको घुमाते हैं अच्छे से। तो चलिए भैया घुमा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पहली बार आए तो घूम ही लेते। फिर वैसे नाम नहीं बताते? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह यही के रहने वाले हैं? है ना, मुझे यहाँ सामने से लेके जा रहे हैं। ये सबसे मेन रोड है, ये एंट्री पॉइंट है रोड का और भैया बोले यहीं से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा करके रखा है इन्होंने। ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाली है तो मैं ये एक पार्ट में नहीं दो पार्ट में डालूंगा, ताकि ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद बड़ा दिक्कत होता है। ये इनका महल है।